बोलते रेडियो तो करे ये भगाते रहते हैं। इज्जत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीरज, आप देख रहे हैं नीरू बीटी ब्लॉग्स। तो आज हमारे हम रात को 10 बजे वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो आज हमारे दोस्तों ने सरप्राइज दिया है मुझे एक। हमने अभी ये बाइक ऐसे कर रखी है, यहाँ पर स्टैंड में पत्थर लगा रखा है लाइटिंग के लिए। बहुत बड़ा सरप्राइज है, आज हमारे दोस्त ने सरप्राइज दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा। और हमारा दोस्त येरा राजन, और साथ में उसके साथ साथ है हमारे दीपक। तो इनका नाम दीपक, इनका नाम राजन। तो इन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया, राजन ने। राजन भाई, आप अपना सरप्राइज दिखाएंगे जरा? ये देखिए, ये रहा सरप्राइज इनका। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है सरप्राइज देख के, क्योंकि इन्होंने साथ में हमारे वीडियो के साथ साथ इन्होंने बोला कि हम एक सरप्राइज देने वाले। तो आज हम सरप्राइज देखेंगे, इनका रिव्यू भी करवाएंगे इस स्कूटी का। दीपक के पास भी हमारे स्कूटी है इंटॉक। तो ये रे दीपक, तो इनकी स्कूटी ये है। स्कूटी तो नहीं बोल सकते वैसे, इन दोनों की स्कूटी, ये दीपक की है, ये राजन की है, जिन्होंने हमारा फोन पकड़ रखा है वीडियो बनाने के लिए, वो हमारी हेल्प कर रहे थे। तो ये दिखाते हैं हम स्कूटी। ये सबसे पहले कौन सा वर्जन है? ये 2018 का मॉडल है। जब इंटॉक लॉन्च हुई थी तब स्टार्टिंग हुई थी, तभी मैंने ये बाय करी थी। और इसे अभी 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ 3 साल हो ही चुके हैं। और मेरा एक्सपीरियंस इंटॉक के साथ बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैं, स्कूटी नहीं है ये बाइक है। जिस तरीके की इसमें पावर है, जिस तरीके से ये पिकअप करता है, और 0 to 60 ये इतनी मस जाती है ना, मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये स्लो तो बिल्कुल नहीं, बाकी स्कूटी से तो बहुत अच्छी है ये। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और स्कूटी के साथ। तो इनके कंपैरिजन में ये वाली स्कूटी आई है, जो XP रेस एडिशन XP एक्स्ट्रा, में इसका मतलब एक्स्ट्रा पावर। तो दीपक, इसके बारे में कुछ हमको भी बताओ, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है पिछले कंपैरिजन में, जस्ट इसके कंपैरिजन में इसके बारे में बताओ जरा कुछ। तो पहली चीज़ तो इसकी पूरी ग्राफिक्स चेंज हो चुकी है। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये मॉडल XP रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये, और इसकी पूरी ग्राफिक्स चेंज हो चुकी है। और जो फ्रंट लैम्प है वो तो पुरानी वाली ही है, मतलब जो इनने रेस एडिशन में दिया था ना, वही वाली लाइट इन्हें रेस एडिशन वाली इधर भी दिया। कैमरा जरा करना, बट उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिक्स पूरा चेंज है इसका। ये जो ग्राफिक बता हाँ। रहे ये इसमें नहीं हाँ। है उसमें नहीं है, ये फर्स्ट एडिशन था, इस वजह से इसमें ग्राफिक्स नहीं थी, ये खाली ऐसे में आ रहा। मैंने इसमें एक और चीज देखी, इसमें TVS लिखा हुआ है एंड इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये चेंज हो रखा है इस वजह से। दैट्स व्हाई ये TVS इसमें नहीं है, ये चेंज हो रखा है। और सबसे मैट फिनिश वाला कलर यहाँ पर देख सकते, ग्रे कलर बोलते इसे, एंड ये ब्लैक। इन्होंने पन्नी नहीं हटाई अभी तक, क्योंकि अभी लेटेस्ट है, दैट्स व्हाई इन्होंने हटाया नहीं है। और काफ़ी अच्छा इसमें कलर का काम किया गया है, कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइन दिया गया है। ब्लैक सिल्वर एंड रेड का मिक्सचर बहुत अच्छा बनाया गया है इसमें। मैंने अभी चला के भी देखी कैसी लग रही थी, इसमें हल्का सा वाइब्रेशन है हैंडल पे। अब जाके इसमें थोड़ा सा हैंडल पे वाइब्रेशन थोड़ा सा था, कम हो गया है इतना तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं स्कूटी नहीं चलाता इतनी ज़्यादा, और इसका नंबर प्लेट भी नहीं आया अभी। और सबसे बढ़िया बात, इधर आओ, इसके मोड्स स्टार्टिंग में ऐसी है, स्टार्टिंग में पूरा इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन आपको इसमें बहुत अच्छी दे रखी है। आप देख सकते हो मीटर कितना ही बढ़िया है इसका, यहाँ से आप अपने ट्रिप लैप्स सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, अपनी टॉप स्पीड आपने कितने में इसको, एवरेज स्पीड आपकी कितनी रही थी, आपने 0 to 60 कितने में किया, आप सब बता सकते हो इसमें। आपको फ्यूल, आपकी फ्यूल के बारे में बता दिया गया, आपके इंजन हीट के बारे में बता दिया जाएगा, और आपने कितने में कितने देर कितने में कितना चलाया इसे। साथ में आप वापस ये ट्रिप में अपने ट्रिप ए में आ गए, यहीं से आप ना स्कूटी में आपको मोड्स दे रखे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, किसी भी स्कूटी में अभी तक मोड्स तो बिल्कुल ही नहीं आए हैं। ये हमने बस बाइक्स में ही सुना था कि मोड्स आए हुए हैं, बट ये पहली स्कूटी बनती है जिसमें
स्कूटी पे भी मोड्स दिए गए हैं। अब आपको हम मोड चेंज करके दिखाएंगे। मैंने इसमें देखा कि इसमें किल स्विच भी है। किल स्विच भी दे रखा है। किल स्विच तो इंटॉग ने स्टार्टिंग करी थी, वहीं से किल स्विच इसमें आ ही गया है। तो इंटॉग ने शायद किल स्विच का स्टार्ट किया है, मेरे को तो जितना अपनी नॉलेज से पता है ना। हमने इसमें देखा कि जब भी हम किल स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से आवाज आती है वो करके। तो आपकी स्कूटी कौन सी मॉडल है आपका? 2018 का मॉडल है मेरा। VS4 इंजन है और ये VS6 इंजन है। इसमें वो चीज़ें हैं नहीं और क्योंकि ये FI वर्जन है, ये नॉन FI है, ये स्टार्टिंग का वर्जन है। इसमें इतना तब था नहीं, अभी इनने काफ़ी अपडेट किया है। VS कौन सा मॉडल है? VS4 वर्जन है ये। VS4 एंड ये VS6। यस या तो VS6 में से FI के लिए फ्यूल इंजेक्शन की आवाज़ आती है। जो इसमें से जो पंप होता है, पंप इसका जो पेट्रोल है खींच के इंजन में ट्रांसफ़र करता है। तभी सर्दियों में वैसे दिक्कत भी नहीं आती इसमें, है ना? सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं आती, स्कूटीज में तो वैसे ही इतनी आती नहीं है। और अगर आप रेगुलर बेस में अगर स्कूटीज को यूज़ कर रहे हो अपनी, तो वैसे तो आनी तो नहीं चाहिए बिल्कुल। और मैंने इसमें एक और चीज़ देखी, ये मोड करके लिखा हुआ है स्टार्टिंग बटन पे, तो इसका कुछ आप बता सकते हैं? ये मोड आपका जैसे अभी आप स्ट्रीट मोड में चला रहे हैं, एक बार आप सामने ला के दिखा दीजिए। ये स्ट्रीट मोड है। अब हमें इस मोड को चेंज करने के लिए पहले आपको इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेस मोड हो जाएगा। रेस मोड इसके वजह से आपको थोड़ा सा पावर पुश मिलेगा, थोड़ा सा और पावर मिलेगी, जिसके वजह से आप थोड़ी ना स्पीड और जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इस पे क्या क्या चेंज हुआ है दीपक जी? इसमें मैंने स्टिकर देखा है यहाँ की तरफ, ग्राफिक्स ग्राफिक्स में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स पूरा चेंज हो गया। बगल वाली में इतना है नहीं, ग्राफिक्स में इतना मोड किया नहीं उन्होंने। तो अब जाके XP है, रेस XP का वर्जन, ये टॉप वर्जन है बिल्कुल। तो टॉप मॉडल आपने, मैंने इसमें देखा कि जो किक था, किक आपका पहले फ्रंट की साइड है, फ्रंट की साइड था, तो ये फ्रंट की साइड है, यहाँ पर फ्रंट की साइड है। एंड ये पीछे की तरफ मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ होगा, कुछ मॉडिफाई। तो मैंने इसमें ये देखा कि इसका किक पीछे की तरफ है, किक थोड़ा ना इजी करता है। मतलब पहले जो आगे की तरफ था ना किक, तो लोगों को ना प्रॉब्लम होती थी, वो पीछे की तरफ पैर रखते थे तो उस वजह से ना वो कभी कभार किक में भी पैर कर देते थे। बट अब किक पीछे की साइड कर दिया है तो इस वजह से काफ़ी ईजी भी रहता है, थोड़ा गैप भी रहता है और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होती पैर रखने में। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि स्कूटी में आगे की तरफ जो आगे की तरफ जो ये होता है केक, तो मेरे को बहुत आसान सा लगता है, क्योंकि लोग यहाँ से ऐसे कर कर केक लगा सकते हैं। हाँ, सीधा सिंपल तो सिंपल वे में बोलो तो आपको उतर के इसमें केक लगानी पड़ेगी। यस, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक ठाक ही था, अब तो उतर के लगा सकते हैं वैसे तो। और आपने जो मुझे वोट बताए, सबसे बढ़िया बात इसमें हज़ार लाइट इसमें कंपनी ने दे रखा है इनबिल्ट। यस, तो मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि जो मैंने अपनी बाइक में लगा रखा था तो उसमें से 600-1000 रुपये के अंदर अंदर आपका लग गया पूरा 1000 लाइट। और इसमें सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि इसमें किल स्विच का आपको सबसे अच्छा हेल्प मिल जाता है कि आपको जब आप रेड लाइट में रुके हुए हो तो आपको बार बार अपनी की को ऑफ नहीं करना पड़ता है। हाँ, सीधा वहीं से किल स्विच ऑफ करा, सिंपल आपकी लाइट पे उसकी कोई दिक्कत नहीं। मीटर पूरा डिजिटल है, फुली डिजिटल एंड विद अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप अपने ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी राइड ट्रिप और साथ में लोकेशन डाल के आप चला सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशन भी बताएगा, आपको कॉल्स और साथ में मैसेजेस सब अपडेट करेगा। फोन कनेक्ट करके दिखाएंगे कैसे इसमें कॉल आती है और कैसे आप कनेक्ट। तो जितना भी मुझे बताया दीपक ने, उसका इंटरफेस ये था। इसका ऐप का नाम TVS कनेक्शन करके है। तो इसमें से आप इसको स्कूटी को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। सबसे पहले ये बात, तो इसमें मीटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखा देगा, बैटरी फ़ोन में कितनी है आपकी वो भी दिखा देगा, सिग्नल्स मतलब कितने गिर रहे हैं, कितने ऊपर आ रहे हैं, और फ़ोन की बैटरी भी नज़र आ जाती है मैंने जितना देखा। और मैंने इसमें ये भी देखा
के किलोमीटर एंड आरपीएम इस फोन में भी आ रहे हैं। तो मैंने एक बार आपको चेक करा देता हूँ। तो ये हमने किल स्विच ऑन किया और ये हमारी स्कूटी चालू हो गई है। तो इसकी आरपीएम, इसका आरपीएम 1600 है। तो हमने ये आरपीएम बढ़ा रहे और साथ में स्पीड भी बढ़ रही है इसकी। स्पीड भी सो हो रही है। ये देखो गाइस, थोड़ा सा लैग कर रहा है। अभी TVS को इसमें थोड़ा अपना इस ऐप पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि XP जो वर्जन आया ना उसका RPM थोड़ा बहुत एक्यूरेटली शो कर रहा है, बट थोड़ा बहुत उन्हें काम करने की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा पावर इसकी 2 में है, तो यहाँ पे भी 2 दिखा रहा है, RPM भी बिल्कुल वहीं रुका पड़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी ये चीज आपका इसमें नाम भी बताया जाएगा, जो बंदा इसे ऑन करता है वो अपना ऐप से कनेक्ट करके उसमें जो भी अपना नाम डालेगा या जो भी उसका रहेगा वो इसमें शो कर देगा, हेलो विश करा जाएगा। तो मैंने इसमें एक और चीज देखी, इसमें से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, जिसको आप ये दबा कर मोड चेंज करते हो, आप बैठे बैठे यहाँ से मोड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टिल मोड कर दिया, वो स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करोगे थोड़ा सा बढ़ाओगे आप रेस मोड में डाला और ये स्टिल मोड आ गया, आप मीटर में देख सकते हैं। अब यहीं से हम इसे रेस मोड में भी पुट कर सकते हैं। अभी थोड़ा ऐप लैगी है, बट इसमें अभी TVS वर्क करेगा थोड़ा और थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेगा। तो मैंने इसमें देखा कि जब भी हम रेस मोड में जाते हैं तो ये रेड हो जाता है, हम जब भी स्टीट मोड में जाते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। इसकी ये खासियत है ब्लू की, क्या रेड पता नहीं हमें वैसे। कंपैरिजन कि तुम तो रेसिंग की पूरी रेड है, एक तरफ से रेड है। इसके अलॉय व्हील्स मैंने जितना देखा बहुत प्यारे से लग रहे हैं, अलॉय व्हील्स पूरा रेड रेड है, आगे भी पूरा रेड है, यहाँ पर फिनिश रेड, यहाँ पर फिनिश है रेड की। और यहाँ पर हमने देखा कि इसका साइलेंसर बहुत प्यारी आवाज़ देता है, आपको हम सुना देते हैं। अब हम आपको ये स्ट्रिक नोट सुनाएंगे, आप साइलेंसर का इसका तो नोट सुनिए आप इसकी। दीपक ये स्ट्रिक मोड की आवाज़ है और यहाँ से हम चेंज कर देंगे, यहाँ से हम रेस मोड में चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लैगी है और ये रेस मोड की आवाज़ है। हेडफोन्स लगा के सुन लेना, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि पता लग रहा होगा, इसमें बहुत माइनर सा चेंज है, बेसी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत ही प्यारा है, स्कूटीज़ में एक अप्रीला और एक इंटॉक, इनके एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छे हैं। और दीपक के एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ भी हम सुना देंगे। दीपक स्टार्ट करना ज़रा, ये VS4 की आवाज है। इसमें तो सुना अभी आवाज आई, हंसी वाली आवाज थी क्योंकि तीन साल हो गए, पुरानी नहीं थोड़ी घिस चुकी है कि वायु भगाते रहते हैं, दुनिया नाप चुके हैं इससे, तो थोड़ी कम आवाज है। बस कहीं नहीं गई है कभी, बस लद्दाख जाएगी लास्ट, फिर उसके बाद नहीं आएगी। चल चल। तो मैंने इसमें देखा कि बहुत हंसी वाली चीज थी इसमें, तो स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करने के बाद ऐसी आवाज आ रही है हमारे पास, अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं इसे, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, बट मुझे भी अभी इसमें ना ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई नहीं है, कोई भी मेजर कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस तो हुई नहीं है। थोड़ा मेरा अभी जो फ्रंट शॉकर है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ना
आपको पता है इंडिया के गड्ढे रोड में कितने गड्ढे रहते हैं? हमारे भाई राइडर है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी एग्जॉस्ट नॉट तो हमने सुना ही नहीं, इस फिर से सुन लीजिए जरा। चालू कर दिए कोहली, बहुत प्यारी आवाज थी। क्योंकि मैं इसे काफी बहुत केयर करता हूँ इसकी, और केयर करनी भी चाहिए क्योंकि आप अगर अपनी चीजों की केयर नहीं करोगे तो खराब तो होना ही है। हाँ, वो तो बात है। अब जो आपने मॉडिफाई कराया इस स्कूटी में तो आप वो मुझे बताएं। सबसे पहले तो इन्होंने स्मोक टेप लगाया है यहाँ पर इंडिकेटर्स में दोनों हैं, और साथ में मैंने लाइट पे भी स्मोक टेप करवा रखा था, वो थोड़ा उतर गया है, खराब हो गया था इस वजह से। और मैंने ये थोड़ा ऐसी अच्छा लग रहा था तो मैंने ये भी करवा लिया था। बहुत प्यारा, और ये लुक काफी अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारा है। ये दोनों ऐसा लगता है कि फरारी आ रही है पीछे से कोई। ये दोनों में ही लुक काफी अच्छा दिया गया है, XP में भी बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। मैंने एक और चीज देखी यहाँ पर, अभी नोटिस करी है हम दोनों ने मिलकर, तो हमने देखा इसमें TVS की ग्राफिक्स है। ये एक एकदम ये मतलब वर्ड्स ना चिपकाए हुए हैं इसमें, TVS के T अलग है, V अलग है, S अलग है। तो हमने दूसरे में देखा यहाँ पर स्टिकर है, ये स्टिकर कर रखा है इनने, और ये जस्ट अभी हमें जस्ट नोटिस हुआ है। ऐसा क्यों किया वो तो हमें पता नहीं। ये बड़ा प्यारा सा लगा जो LED लाइट्स है इसमें, यहाँ पर छोटा सा TVS लिखा हुआ है, और इन्हें एक टी लैंप दे रखा है स्कूटी में देखा। इनकी जो टेल जो पार्किंग लाइट्स होती है वो इधर दे रखी है, तो इन्होंने लाइट लगवाई है अभी। इधर भी TVS लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है इधर। इसमें लाइट लगाई, कौन सी लाइट लगाई थी आपने जरा? ये मैंने लाइट इसलिए चेंज कराई क्योंकि जो इससे कंपनी के वजह से जो स्टॉक लाइट आती है वो इतना ना विजिबिलिटी नहीं देती है रात के टाइम पे, थोड़ा दीपक को स्टॉक लाइट में मजा नहीं आ रहा था। तो उन्होंने चेंज कराई व्हाइट लाइट में। कौन सी लाइट लगाई थी आपने जरा इसके बारे में बता सकते हैं हमें? ये मैंने LED लाइट लगवाई है। मैं रिसेंटली इसका काम करवाने गया हुआ था स्कूटी का थोड़ा सा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे लाइट भी साथ में चेंज करवा लेनी चाहिए, तो मैंने साथ में लाइट भी चेंज करवा ली थी इसकी। लाइट का दीपक को पता नहीं कौन सा ब्रांड का, आई थिंक फिलिप्स की थी जितना मुझे याद है। इज्जत नहीं है इसकी, इज्जत है तरह 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 धुमता ला ला ला। दीपक को बहुत बुरा लगा, मैंने उसको स्कूटी में लात मार दी। तो सो गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हम रात को वीडियो बना रहे थे, दोपहर को टाइम मिलता नहीं है, इसलिए हम रात के 10 बजे से स्टार्ट किए थे, अभी 11 बज चुके हैं। तो 11 बज चुके हैं, तो सो गाइस अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है, वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। तो हम गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ये रहे राजन, मैं दीपक, और ये नीरज। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट एक बहुत अच्छा सा डालना। सबसे बड़ी बात एक 100 सब्सक्राइबर से आप, ओ कॉन्ग्रेट्स 100 सब्सक्राइबर। चलो।